साधक ने पूछा है गोपी प्रेम क्या है। गोपी प्रेम की परिभाषा क्या है। प्रेम में अनेक कक्षाएं हैं, तो सबसे ऊंची कक्षा का प्रेम गोपी प्रेम है। उससे परे फिर केवल राधा कृष्ण का प्रेम है। एक एक शब्द पर ध्यान देना। प्रेम की सर्वोच्च कक्षा का नाम गोपी प्रेम है, उसके आगे केवल राधा कृष्ण का प्रेम है। तो पहले प्रेम क्या है ये समझो। प्रेम किसे कहते हैं? सत चित आनंदमय कृष्णेर स्वरूप। अतएव स्वरूप शक्ति होए तीन रूप। भगवान का तीन अभिन्न स्वरूप है, सद ब्रह्म, चिद ब्रह्म, आनंद ब्रह्म। तो सद ब्रह्म से श्रेष्ठ चिद ब्रह्म, चिद ब्रह्म से श्रेष्ठ आनंद ब्रह्म, ये ब्रह्म ही के स्वरूप है। ब्रह्म नहीं है तीन, उनकी शक्तियां हैं। सत स्वरूप लीन हो जाता है चित्त में, तो पहले भगवान का नाम रहता है सच्चिदानंद ब्रह्म। जब सत लीन हो गया चित्त में तो उसका नाम रह गया चिदानंद ब्रह्म। चिदानंदमय देह तुम्हारी, और सत चित दोनों लीन हो गए आनंद में, तो उसका नाम रह गया केवल आनंद। यानी भगवान का दूसरा नाम आनंद, आनंदो ब्रह्मेति गजानात वेद कहता है, रसो वै सह वेद कहता है, सवै रसानाम रसतमः वेद कहता है, सुख के सुख राम। आनंद, हम लोग आनंद चाहते हैं ना। आनंद क्या वस्तु है ये नहीं जानते। फीलिंग होना ये संसारी आनंद, भूखा है रसगुल्ला खाया आनंद मिला, बहुत प्यासा है पानी पिया आनंद मिला, ये आनंद नहीं है। क्योंकि जब पानी पहला घूंट पिया तो अधिक आनंद, दूसरे घूंट में कम आनंद, तीसरे घूंट में और कम, दसवें घूंट में आनंद समाप्त। फिर हम गिलास को रख देते हैं। आनंद उसे कहते हैं जो सदा रहे, नंबर एक, और सदा बढ़ता रहे, नंबर दो, और उससे बड़ा कोई आनंद ना हो, नंबर तीन। ये तीन शर्तों को जो पूरा करे उसका नाम आनंद या भगवान। इसीलिए आप लोग सुनते होंगे लव इज गॉड, आनंद प्रेम, ये सब एक शब्द है। गॉड, भगवान, खुदा, सब एक शब्द है, एक अर्थ है इनका। तो सच्चित आनंद जो ब्रह्म का स्वरूप है उसमें सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है आनंद। हम उसके अंश हैं,
तो हम भी सच्चिदानंद हैं। सत शक्ति, चित शक्ति, आनंद तीनों हमारे पास है, अंश में है। सत शक्ति से हम क्रियाएं करते हैं, चित शक्ति से हम नॉलेज इकट्ठा करते हैं और जगदानंद प्राप्त करते हैं मां बाप बेटा स्त्री पति रसगुल्ले से। तो वो सब गलत ढंग का है, लेकिन है, लिमिटेड है, माइक है। तो आनंद ब्रह्म का भी एक सारभूत तत्व है, उसका नाम है आनंदांश लादिनी। उस पावर का नाम है लादिनी शक्ति। और लादिनी शक्तिर परम सारो तारो प्रेम नाम। लादिनी शक्ति का भी एक सारभूत तत्व है, उसका नाम प्रेम। इसलिए भगवान प्रेम के अधीन रहता है, अपनी ही शक्ति के अंडर में है। इतनी पावरफुल है वो पावर, इतनी शक्तिमती है वो शक्ति कि भगवान को अंडर में रखती है। अहम भक्त पराधीना, भगवान प्रेम के अधीन है, सब जानते हैं। ये प्रेम वही है जो भगवान की ही लादिनी शक्ति का सारभूत तत्व है। मन के अटैचमेंट को प्रेम नहीं कहते। मन का अटैचमेंट तो आप सब लोगों का कहीं है, किसी का मां में, किसी का बाप में, किसी का भाई में, किसी का बीबी में, किसी का पति में, किसी की अटैचमेंट किसी का प्रतिष्ठा में, किसी का धन में। सबका अलग अलग सब्जेक्ट है, किसी के दो सब्जेक्ट हैं, किसी के चार हैं। यानी मन का अटैचमेंट तो आपका कहीं न कहीं अवश्य है। और बाहर कोई नहीं है, शरीर में है। आप मरना नहीं चाहते, बीमार हैं और डॉक्टर कह रहा है बचेंगे नहीं, फिर भी लगा दो इंजेक्शन, दो ही घंटे बच जाए, मरना नहीं चाहते। तो प्यार या अटैचमेंट तो सब जानते हैं, पशु पक्षी जानते हैं, मनुष्य की कौन कहे। गाय का बछड़ा दो दिन का गाय के पास दूध पीने जाता है, गाय पहचान लेती है, चाटती है। दूसरे के बच्चे को अगर गाय के दूध पीने के लिए भेज दो तो लात मार देती है। कुत्ते के बच्चे को आप पकड़ ले तो कुत्ते की मां काटने दौड़ती है। सबका अटैचमेंट संसार में है और शरीर में तो है ही, लेकिन ये प्रेम नहीं। प्रेम नाम की चीज सारे विश्व में कहीं है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। सब बकवास है। जो मां कहती है बेटा हम तुमसे प्रेम करते हैं तुम्हारे बिना मर जाएंगे, बीवी कहती है हे पति मैं तुमसे प्रेम करती हूं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, ये 100% सफेद झूठ। सब अपने स्वार्थ से प्रेम करते हैं। हमारा स्वार्थ 100% हल हुआ तो हमारा प्रेम 100%। स्वार्थ कम हो गया 50% तो प्रेम का टेम्परेचर भी डाउन हो गया 50%। स्वार्थ समाप्त हो गया, प्यार समाप्त हो गया। लड़ाई झगड़ा बवाल मारपीट तलाक ये सब आप लोग देख रहे हैं संसार में, ये प्यार नहीं है, ये तो और दुख है, अशांति है।
अकेला था बेचारा, हंसता खेलता लड़का लड़की कोई भी, और शादी करके दो बने, दो के चार बने। अब इतना अटैचमेंट हो गया कि एक का एक्सीडेंट हुआ तो तीनों परेशान है, दूसरे का हुआ तो बाकी तीन परेशान है, एक मरा तो बाकी तीन रो रहे हैं। अपना दुख अलग है, औरों का भी दुख भोग रहा है। पता नहीं कैसे जीवित है मनुष्य, इतने दुखों को भोगकर। इसको प्रेम कहते हैं। प्रेम तो भगवान का स्वरूप है, वो तो आनंद का स्वरूप है, फिर ये दुख क्यों मिल रहा है? तो मन का अटैचमेंट प्रेम नहीं, प्रेम में रीजन नहीं होता। प्रादुर्भाव दिने न ये न गणितो हे तुस्तनिया न पी शीये ताप न चापराध विधिना नत्या न यो वर्धते। देखो कितनी बढ़िया परिभाषा। प्रेम किसी को मिला तो उसमें हेतु स्तनिया नपी, कोई रीजन नहीं। रीजन आया तो प्रेम समाप्त। क्यों? वो रीजन समाप्त, प्रेम समाप्त। हमने सुंदरता से प्यार किया और कल वो सुंदरता चली गई, उसकी प्यार समाप्त हो गया। हमने उसके धन से प्यार किया, वो कल वो दिवालिया हो गया, हमारा प्रेम समाप्त हो गया। हम जिस गुण को देखकर प्यार करते हैं, वो गुण जैसे ही समाप्त हुआ, हमारा प्यार भी समाप्त हुआ। आधार गया तो आधे भी गया। और क्षीयता पिनचा अपराध विधिना, और हमारा प्रियतम अपराध करे, गलती करे, तो भी प्रेम कम ना हो, ये दूसरी शर्त। संसार में क्या होता है, एक वाक्य बोल दिया पति ने, बीबी ने, बाप ने, मां ने, आत्महत्या कर डालते हैं लोग। लड़ाई झगड़ा मार धाड़ सब होने लगता है एक वाक्य में। स्त्री कह दे पति से तुम करेक्टरलेस हो, क्या कहा, जबान खींच लेंगे। पति कह दे बीबी से तुम करेक्टरलेस हो, शब्द में ये हाल है। सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणे यद भाव बंधनम यूनो सब प्रेमा परिकीर्तिता। रसिक लोग कहते हैं कि ध्वंस का कारण हो और फिर भी प्रेम नष्ट न हो, यानी हम उससे प्रेम कर रहे हैं, वो गाली दे रहा है, झापड़ लगा रहा है, अपमान कर रहा है, हाथ पैर तोड़ दिया उसने, हमारा प्यार कम न होगा, उसको प्रेम कहते हैं। भला मृत्यु लोक में ऐसा प्रेम कहीं स्वप्न में भी किसी ने देखा? प्रेम के नाश का कारण कुछ भी हो, प्रेम नाश न हो। असुंदर सुंदर शेखरो वा गुणैर्विहीनो गुणिनाम्बरो वा द्वेषी मयि स्यात् करुणां बुधिर्वा कृष्णस्तयेवाद्यगतिर्ममायम। एक प्रेमी कहता है भगवान के लिए कि वही हमारे प्रियतम है। वो कैसे प्रियतम है? कोई कहे काले कलूटे हैं, हमको शरीर से क्या मतलब, वो परम सुंदर हो या घोर कुरूप हो, हम रीजन नहीं देखते। वो सब गुणों से युक्त हो या अवगुणों की खान हो, हमको इससे मतलब नहीं। वो हमसे दुश्मनी करते हो
चाहे प्यार करते हो, इससे हमको मतलब नहीं। वे ही हमारे प्रियतम थे, हैं, रहेंगे। वो चाहे जो व्यवहार करे, आश्लिष्यवा पादरताम पिनस्तुमा मदर्शनान मर्महतान करोतुवा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सेवना परा। गौरांग महाप्रभु कहते हैं, हे श्याम सुंदर, तुम तीन ही काम कर सकते हो। चाहे मुझे चिपटा के प्यार कर लो, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, और चाहे उदासीन बन जाओ, यानी न्यूट्रल बन जाओ कि हम तुमको जानते ही नहीं कौन हो और तड़पाओ हमको, और चाहे चक्र उठा के सिर काट दो, और क्या करोगे तुम? ये तीन काम कर सकते हो, इन तीन में ही कोई काम करो, हमारा प्यार बढ़ता जाएगा। ये कसौटी है प्रेम की। इसलिए कहा गया सर्वाभिलाषिता शून्यम। अपनी इच्छा रख कर प्रेम करने की बात सपने में भी मत सोचना। अपनी इच्छा रखा जहां, बस इच्छा पूरी हो गई, प्रेम बस थोड़ा सा बढ़ गया। इच्छा कम पूरी हुई, प्रेम नीचे घट गया। इच्छा बिल्कुल पूर्ति नहीं हुई, बस क्रोध आ गया। डेली व्यवहार में आप लोग देखते हैं, आपने बेटे से कहा बेटा जरा पानी पिला दो, दौड़ के गया, छलांग मारते हुए पानी लाया, पिला दिया। शाबाश, क्या मेरा बेटा है, श्रवण कुमार है। आधा घंटा बाद फिर आपने कहा बेटा सिगरेट की डिब्बी उठा दे, वो बैठा है। मैंने कहा सिगरेट की डिब्बी उधर रखी है, उठा दे, दे दे, फिर भी बैठा है। राक्षस पैदा हुआ है ये लो, अभी श्रवण कुमार था, अभी राक्षस हो गया। यही नाटक मां का, बाप का, बेटे का, बीबी का, पति का, दिन भर आप लोग भोगते हैं। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है आपको, क्यों? अपनी कामना है, इसलिए। इसका बेस जो है, आधार जो है, अपनी कामना। तो कामना रहितम, नारद जी भी यही कहते हैं, गुण रहितम कामना रहितम। कामना न हो उसको प्रेम कहते हैं। जो प्रियतम के सुख के लिए हो, ये गमारी भाषा में समझो, तत् सुख सुखित्वम, नारद जी कह रहे हैं। अपने प्रियतम के, वो हमारा प्रियतम चाहे पति हो, चाहे बेटा हो, चाहे बाप हो, चाहे सखा हो, चाहे भाई हो, कोई हो, जिससे भी हम प्रेम करना पसंद करते हैं, उसके प्रति ये शर्त है कि उसके सुख की ही कामना रख कर इस मार्ग में पैर रखो। अपने सुख की कामना छोड़ दो। तो जब उसके पास प्रेम है ही नहीं, अगर तुमने मान लो संसार में कहीं ऐसा प्रेम कर भी लिया, मां से, बाप से, बीवी से, पति से, बेटे से, उसके सुख के लिए हम प्यार करते हैं जी, अरे इम्पॉसिबल, अजी हम करते हैं। अच्छा चलो करते हो, मान लिया, लेकिन मिलेगा क्या? मरने के बाद हमको उसी की प्राप्ति होती है जिसमें प्रेम होता है। अगर हमने अपनी मां से प्यार किया और मां मरने के बाद गधी बनी, तो हमको भी गधी का बच्चा बनना पड़ेगा।
जड़ भरत एक बहुत बड़े ज्ञानी परमहंस थे। एक बार एक गर्भिणी हिरनी शेर की आवाज से डर कर कूदी और पानी में गिरी नदी में और उसके पेट का बच्चा गिर गया। तो वो जान बचाने के लिए अपना शरीर सबसे प्यारा है ना, जो बच्चा पैदा हुआ वो कहां है, भाड़ में जाए अपनी जान बचावे। वो हिरनी भागी पानी में तैरती हुई और बच्चा पानी में डूबने लगा। तुरंत का पैदा हुआ बच्चा, वही जड़ भरत नहा रहे थे, उन्होंने बच्चे को पकड़ लिया कि मर जाएगा। दया आ गई, देखिए दया, दया बुरी चीज है नहीं है। बच्चे में अटैचमेंट जल्दी होता है, दूसरे के बच्चे को पाल लो तो भी, तो अपना बच्चा हो तो हो गई। उसको पाल लिया। अब जब मरने लगे जड़ भरत, तो उसी हिरनी के बच्चे का ध्यान, तो मरने के बाद हिरण बनना पड़ा उनको, मनुष्य शरीर भी नहीं मिला इतने बड़े ज्ञानी को। तो अगर हम संसार में कहीं सचमुच प्रेम कर भी लें, सही सही जो आप परिभाषा बता रहे हैं, तो फल क्या मिलेगा? मरने के बाद वो जहां जाएगा हम भी वहीं जाएंगे। और हम जिससे प्यार करेंगे वो मायाबद्ध है, इसलिए हम मायाबद्ध होंगे। वो कुत्ते बने, गधे बने, बिल्ली बने, पशु बने, पक्षी बने, 84 लाख में जहां वो जाएगा वहीं हम जाएंगे। इसलिए कहा गया कृष्ण भक्त सकामोपि वरोण्य सेवकात् खलु निष्कामादपि तत्कामो यतो मोक्षाय कल्पते। भगवान की भक्ति, श्री कृष्ण की भक्ति सकाम भी हो, जैसे गोपियां काम भाव से गईं, वो भी गोलोक गईं, कंस भय से गया, मन का अटैचमेंट किया, वो भी गोलोक गया, शिशुपाल वगैरह दुश्मनी से मन का अटैचमेंट किए, वो भी गोलोक गए। लेकिन संसार से कोई निष्काम प्रेम भी कर ले, मां से, बाप से, बेटे से, बीवी से, तो भी माया से मुक्त होगा नहीं, आनंद ब्रह्म मिलेगा नहीं, 84 लाख में घूमेगा, तो उसका निष्काम प्रेम क्या है? उसका परिणाम तो खतरनाक हो गया, दुख, अशांति, अतृप्ति, अपूर्णता, 84 लाख योनियों का चक्कर। इसलिए मन के अटैचमेंट को प्यार कहते हैं, ये तो गलत है ही, लेकिन जिसके पास प्रेम नहीं है उससे प्रेम करना निष्काम भी गलत है। कोई कहे हम बिना कामना के प्रेम करते हैं अपनी मां से, बाप से, हम कुछ नहीं चाहते, पहले तो असंभव है, लेकिन अगर कर भी लो तो मरने के बाद क्या मिलेगा ये सोचो। देखो किसी के, एक लड़की है, दो लड़की है, तीन लड़की है, उनका ब्याह करता है। अब जिससे ब्याह करेगा उसी की प्रॉपर्टी मिल जाएगी उसको। लखपति से ब्याह किया, वो करोड़पति बन गया, और बीबी भी करोड़पति हो गई। दूसरी बहन को भी लखपति से ब्याह किया, वो शराबी निकल गया, भिखमंगा हो गया, तो उसकी बीबी भिखारिन कहलाएगी। यानी जहां हम मन का अटैचमेंट करेंगे उसी पर्सनैलिटी का फल मिल जाता है, सात्विक हो, राजस हो, तामस हो, ये तीन गुण के जीव है सब संसार में। तो प्रेम मन के अटैचमेंट का नाम नहीं, इसलिए
प्रेम शब्द का पहला अर्थ किया गया अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है, अर्थात शब्दों से बताया नहीं जा सकता। अरे प्रेम ओम तो छोड़ो, आप लोग रसगुल्ला खाए हैं? हाँ। एक नीम का कीड़ा पूछता है आपसे रसगुल्ला कैसा होता है, मीठा होता है? कैसा मीठा होता है? कैसा मीठा? अरे चीनी खाया है तुमने? नहीं जी, है? कभी चीनी खाए नहीं। अरे दूध तो पिया होगा ना? कोई मीठी चीज नहीं खाया कभी। मैं नीम का कीड़ा हूं, निबोली का रस लेता हूं। अब समझाओ रसगुल्ला कैसा होता है? तो हजार फिलॉसफर को बुला लो, सब हाथ जोड़ देंगे, हम तुमको नहीं समझा सकते। अरे तुम अपने आप को समझा लो, चलो कोई बात नहीं, औरों को छोड़ो। रसगुल्ला खाया कल? हाँ। कैसा था? मीठा था। तो खाने के बाद क्या हुआ? आनंद आ गया, तृप्ति हो गई। अच्छा, और आदमी रसगुल्ला खाओगे? हाँ। क्यों? वो कल जो रसगुल्ला खाया था उसी का ध्यान कर लो। एक रसगुल्ला, दो, तीन, चार, पांच, छह, आनंद आ गया। वो कल वाला सुख कहां चला गया? कल बेटे को चिपटाया था? हाँ। कल बीबी को चिपटाया था? हाँ। बहुत आनंद मिला? हाँ। तो उसी का ध्यान कर लो, रोज बाकायदा छुट्टी मिली उस वस्तु की, रोज रोज जरूरत को पड़े ना, वो खत्म। वो हमारा जो प्रेम का नाटक है वो केवल धोखा है, बिल्कुल धोखा। जैसे सफेद चूने के पानी को मथे और ये सोचे कि इसमें से मक्खन निकलेगा, क्योंकि उसने देखा है दूध को मथने पर मक्खन निकलता है। आइए भी सफेद सफेद पानी है, तो सफेद सफेद पानी से मक्खन नहीं निकलेगा। वो गाय भैंस का दूध हो सफेद सफेद, उस पानी से मक्खन निकलेगा। तो जिनके पास प्रेम है ही नहीं वो बेचारे तुमको क्या देंगे? देना भी चाहे तो क्या देंगे? एक अंगूठा छाप आदमी से कोई कहे हम बीए पढ़ते हैं, हमारा ट्यूटर चला गया है, आप पढ़ा दीजिए, तो कहेगा जी मैं एबीसीडी जानता नहीं, मैं क्या पढ़ा दू तुम्हारे बीए क्लास को। ऐसे ही प्रेम शब्द की परिभाषा तक हम लोग नहीं जानते, और प्रेम के पाने की बात तो स्वप्न में भी नहीं, तो हम किसी को क्या प्रेम देंगे? बेटा मांगता है माँ से प्रेम, माँ मांगती है बेटे से प्रेम, बीबी मांगती है पति से प्रेम, पति मांगता है बीबी से। सब ऐसे धोखे में है जैसे कोई एक अंधा अनाउंस करे भाइयों मैं अंधा हूं, जिसके आंख हो वो हमको मनगढ़ पहुंचा दो। दूसरे अंधे ने सुना, उसने कहा इसके आंख तो ही नहीं, इसे क्या पता हमारी आंख है कि नहीं। उसने कहा आ जाओ अंधे, मेरा हाथ पकड़ ले। और उसने पकड़ लिया। अब दोनों चल पड़े, मेरा हाथ छोड़ना नहीं। नहीं साहब बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और एक गड्ढा आया उसी में दोनों गिर गए, मनगढ़ पहुंच गए। इसी प्रकार सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। मां कहती है बेटा तेरे बिना हम नहीं रह सकते, बेटा कहता है मम्मी हमारा भी यही हाल है। सब एक दूसरे को शब्दों से धोखा देते हैं, और जरा सा स्वार्थ हानि हुई कि भाव तन गई। उसी मां को बिना चिपटाए रहा नहीं जाता,
बेटे को चिपटाए बिना रहा नहीं जाता, बीबी को चिपटाए बिना रहा नहीं जाता, और दिन में 25 बार गाली गलौज भी उसी से करता है, उसी बच्चे की पिटाई भी करती है मां। तो प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है, वो शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता, केवल अपने अनुभव से ही समझा जा सकता है, वो भी बोला नहीं जा सकता। इसलिए कहा गया मूका स्वादन वत्। ये प्रेम शब्द का अर्थ है। फिर गोपी प्रेम का अर्थ तो ऐसा है कि ब्रह्मा शंकर भी नहीं जानते, क्योंकि वो प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था का नाम है। अभी तो आप लोगों को इतना समझना है केवल कि प्रेम दो के पास है, एक भगवान के पास, एक महापुरुष के पास। जिसने भगवान को पा लिया, वो प्रेम भगवान से जिसको मिल गया, वो संत, महात्मा, महापुरुष, गुरु, अनेक नाम है उसके, उसके पास दिव्य प्रेम है, स्पिरिचुअल, उससे मिलेगा। लेकिन वो कब देगा, कैसे देगा, ये सब शास्त्रों वेदों को द्वारा आपको जानना होगा। अंतःकरण शुद्ध होने पर वो प्रेम आपको मिलेगा, एक सेंटेंस में जवाब। अब अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा, हरि गुरु को एक मानकर उनकी भक्ति करने से, मन से भक्ति करना है, खाली वाणी से नहीं, कान से नहीं, नासिका से नहीं, ये सिर को पैर पे पटक दो, ऐसी भक्ति नहीं होती। तन मन प्राण सब समर्पित करना होता है, सर्व समर्पण कहते हैं, आत्मसमर्पण कहते हैं, मामेकम शरणम ब्रज कहते हैं उसी को। जब पूर्ण शरणागति होती है, 100% सरेंडर होता है हरि गुरु को, तब अंतःकरण शुद्ध होता है, तब गुरु प्रेम देता है, भगवान नहीं दे सकता, वो प्रेम गुरु देता है। फिर उस प्रेम में जितनी कक्षाएं हैं वो गुरु की कक्षा के अनुसार मिलती है। हमारा गुरु नीचे की कक्षा का प्रेम प्राप्त किए है, तो हमको भी उसी कक्षा का प्रेम मिलेगा। जैसे प्रेमा भक्ति, स्नेह भक्ति, मान भक्ति, प्रणय भक्ति, राग भक्ति, अनुराग भक्ति, भावावेश भक्ति, महाभाव भक्ति, ये सब क्लासेज हैं। तो जिस क्लास का हमारा गुरु होगा, उसकी शरणागति से उसी क्लास का प्रेम हमको मिलेगा। तो इस प्रकार प्रेम शब्द का एक संक्षिप्त अर्थ आपको बताया गया, और गोपी प्रेम क्या है ये फिर बताएंगे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय।